कि हमने कुछ दिन पहले अखबारों में देखा कि एलिसा किट्स जो आईसीएमआर ने डेवलप किया है उसको बनाने का जो टेंडर, जो अधिकार, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस साइन हुआ है वो अहमदाबाद के एक कंपनी जाइडस कैडिला, आई होप दैट्स द राइट प्रोनाउंसमेंट, कि सिर्फ एक कंपनी को एलिसा किट्स बनाने का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस भारत सरकार ने दिया है। ये हमने हर्षवर्धन जी जो देश के स्वास्थ्य मंत्री है उनके ट्विटर हैंडल में 10 मई को देखा। लव अग्रवाल जो शायद जॉइंट सेक्रेटरी है उनके अपने प्रेस मीट में भी उनके उन्होंने इसकी घोषणा की। पर हमारे पास कुछ सवाल है कि इसका क्या रहस्य है कि जिस एलिसा किट के माध्यम से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोरोना वायरस किसी के ब्लड में है कि नहीं, कि आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लाइसेंस सिर्फ एक कंपनी को क्यों दी? इसका क्या कारण है कि बाकी कंपनियों को मौका नहीं मिला इसमें टेंडर देने का या इस बिडिंग में हिस्सा लेने का? क्या ये देश की जरूरत नहीं है इस वक्त कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज एलिसा किट को तैयार करें और इस किट को तैयार करके लोगों तक पहुंचाए? हमारा ये मानना है कि इसके पीछे शायद कोई कॉन्स्पिरेसी है और ये हम नहीं कई सारी कंपनीज कह रही है। लव अग्रवाल जी को जब पूछा गया कि जाइडस कैडिला के अलावा कितने कंपनियों ने एलिसा किट्स के लिए बिड किया, उनके पास कोई जवाब नहीं था। इसका मतलब भारत सरकार ने जान के एलिसा किट्स मैन्युफैक्चरिंग की मोनोपोली एक अहमदाबाद कंपनी को दे दी। इसका क्या कारण है? भारत सरकार इसका स्पष्टीकरण करें।